बेबाक अंदाज, बेखौफ जुबान, मेवात आज तक। नमस्कार आदाब, मैं हूं अनुष्का राय और आप देख रहे हैं मेवात आज तक। आइए दोस्तों, आज आपको लिए चलते हैं इलाकाए मेवात की ओर। इस वीडियो को आखिर तक देखना और गौर से सुनना। मेवों का इतिहास, आज से लगभग 150 वर्षों तक शासन करने वाले वंश की ओर। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं राजा नाहर खां के वंशज हसन खां मेवाती की, जो 14वीं शताब्दी में मेवात के वली थे। हसन खां मेवाती का जन्म मेवात में हुआ था। उनके पिता का नाम अलावल खां था, उनके पुत्र का नाम ताहिर खां था। हसन खां मेवाती 1505 ईस्वी में मेवात के राजा बने। 1526 ईस्वी में जब मुगल बादशाह बाबर ने हिंदुस्तान पर हमला किया, तो इब्राहिम लोदी, हसन खां मेवाती तथा दिगर राजाओं ने मिलकर पानीपत के मुकाम पर बाबर का मुकाबला किया। इसमें राजा हसन खां मेवाती के पिता अलावल खां शहीद हो गए। पानीपत की विजय के बाद बाबर ने दिल्ली और आगरा पर तो अपना अधिकार जमा लिया, लेकिन भारत सम्राट बनने के लिए उसके सामने महाराणा सिंह और हसन खां मेवाती एक कड़ी चुनौती थी। बाबर ने हसन खां मेवाती को अपने साथ मिलाने के लिए उन्हें इस्लाम का वास्ता दिया और एक लड़ाई में बंधक बनाए गए। राजा हसन खां मेवाती के पुत्र को बिना शर्त छोड़ दिया, लेकिन राजा हसन खां मेवाती की देशभक्ति के सामने धर्म का वास्ता काम नहीं आया। 15 मार्च 1527 में राजा हसन खां मेवाती ने राणा सांगा के साथ मिलकर खानवा के मैदान में बाबर की सेना से जमकर लड़ाई लड़ी। अचानक एक तीर राणा सांगा के सर पर आ लगा और वे हाथी के औहदे से नीचे गिर पड़े, जिसके बाद सेना के पैर उखड़ने लगे। तो सेनापति का झंडा खुद राजा हसन खां मेवाती ने संभाल लिया और बाबर सेना को ललकारते हुए उन पर जोरदार हमला बोल दिया। राजा हसन खां मेवाती के 12,000 घुड़सवार सिपाही बाबर की सेना पर टूट पड़े। उसी समय के दौरान एक तोप का गोला राजा हसन खां मेवाती के सीने पर आ लगा और उसके बाद आखिरी मेवाती राजा हसन खां हमेशा हमेशा के लिए 15 मार्च 1527 को शहीद हो गए। यह मेवाती मुसलमानों के देश में हिंदू राजाओं की सच्ची कुर्बानी है, मगर फिर भी गोदी मीडिया और तमाम हिंदू संगठन देश के मुसलमानों को गद्दार साबित करने में जुटे रहते हैं, जो कि सरासर गलत है। दोस्तों फिलहाल इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे ऐसी ही एक ताज़ा अपडेट। तब तक आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ। यहाँ कभी भी खबरों का सिलसिला नहीं थमता है। हरियाणा से संवाददाता सालिम रजा की विशेष रिपोर्ट। आइए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, आज हमने मेवात आज तक चैनल के अलावा एक न्यू चैनल क्रिएट किया है, जिसका नाम रखा है मेवाती कल्चर। तो ऐसे में इस चैनल को भी फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। आप इस चैनल को आज इसी वक्त जो है सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। दोस्तों यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए। दोस्तों यदि आपको लगता है कि हम समाज के लिए बेहतर काम कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल की मदद कीजिए। तो फिलहाल इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे देश और दुनिया से जुड़ी ताजा तरीन खबरें। तब तक आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ।